मुरादाबाद जनपद के थाना पूरा कलंदर के पास ड्यूटी करके लौट रहे होमगार्ड देवमणि पांडे अपनी पत्नी सुनीता पांडे के साथ बाइक से आ रहे थे कि तेज गति से आ रही हुंडई कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें होमगार्ड की मौत हो गई व डॉक्टरों द्वारा पत्नी सुनीता पांडे को लखनऊ रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट हुआ, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? ये देवमणि पांडे जी हैं, होमगार्ड हैं, कोतवाली नगर में ड्यूटी थी, रात में ड्यूटी करके गए थे, पत्नी की तबीयत खराब हुई और थानापुरा कलंदर के पास इनका एक्सीडेंट हुआ। उनको दिखाने ला रहे थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपनी पत्नी को। किस चीज़ से थे ये? बाइक से थे, और जो इसका एक्सीडेंट हुआ हुंडई कार थी, उसका नंबर भी उपलब्ध है हमारे पास। हुंडई कार? हाँ, हुंडई कार थी। अच्छा जी, क्या नाम आपका? मनोज कुमार शुक्ला। और इनकी जो पत्नी थी उनका क्या हुआ? उनकी पत्नी का हेड इंजरी हो गया, डॉक्टर साहब से मेरी वार्ता हुई, सीएमएस साहब से जी, उन्होंने कहा बड़ी पुअर कंडीशन है इनकी, इसलिए उन्होंने लखनऊ ट्रामा सेंटर जो है रेफर कर दिया। क्या मदद मिली आपको यहाँ से आने से? जी, आने से क्या मदद मिली आपको? आने से मदद हमारे लोगों की, हमारे कमांडेंट साहब आए थे, डीसी साहब आए थे, और हमारा होमगार्ड संगठन का पूरा परिवार यहाँ खड़ा है, उनके पल पल उनके साथ कंधे। एसपी की युवती से हुए दुर्व्यवहार के बाद जनता के गुस्से को जिस प्रकार अधिकारियों ने गुटों में खड़े लोगों को समझाकर संतुष्ट किया, वह काबिले तारीफ था। भारी पुलिस बल के साथ अधिकारियों ने एक बड़ा बवाल होने से रोक लिया। इसमें सीओ सिटी एवं एसपी सिटी की विशेष भूमिका रही। सुबह 8 बजे से ही अधिकारियों ने नियामा पहुँच कर डेरा जमा लिया और लगातार रूट मार्च होता रहा, परंतु अब जनता अभियुक्त के पकड़े जाने का इंतजार कर रही। पास्को एक्ट में FIR दर्ज हुई है, लड़की का मेडिकल हो चुका है, उससे भी पूछताछ जारी है।